Welcome back, my dear kids, with another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 2. And today we are going to start chapter number 3. And the name of our chapter is Water. Water matlab pani. Daily life mein hame pani ki zarurat padti hai. Bahut se aise kaam hai jo hum पानी से करते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे वाटर, यूजेस ऑफ वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में, स्टोरिंग वाटर, वाटर साइकिल, सेव वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, और आप पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू सेव वाटर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए. तो चलिए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. कलर द सोर्सेज ऑफ वाटर शोन इन द पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं और ये क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी हमें जिससे प्राप्त होता है. कैसे प्राप्त होता है? पानी को लेने के भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं. राइट द नेम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर इन द बॉक्स गिवन बिलो. पिक्चर में कलर करिए और सोर्सेज ऑफ वाटर के नाम लिखिए जो बॉक्स आपको दिए हुए हैं. वाटर, वाटर का मतलब पानी. वाटर इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ आर सर्वाइवल. जीने के लिए हमें पानी ज़रूर चाहिए. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. We need water just like need air and food. जैसे हमें खाना और क्या चाहिए? हवा चाहिए. उसी प्रकार हमें पानी चाहिए. Plants also need water to grow and prepare food. पौधों को भी पानी चाहिए बढ़ने के लिए और खाना बनाने के लिए. Now we will learn uses of water. पानी का क्या use होता है? चलिए पढ़ते हैं. We need water daily for many purpose. We need water to stay hydrated and keep our body healthy. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पानी चाहिए. We use water for taking bath or shower to keep ourselves clean. We also use water to wash our hand, brush our teeth, clean utensils and wash our cloth. दांत साफ करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन सब कामों के लिए भी हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर कुकिंग वेरियस डिशेस एंड प्रिपेयरिंग मील. खाना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है. इट अलाउ अस टू इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, बोटिंग एक्सेट्रा. पानी की ज़रूरत हमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी पड़ती है. बोटिंग के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी मॉइस्चर. पौधों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए और पानी पौधों को नमी, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है. तो इसलिए इंसान के साथ साथ जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है. एनिमल ऑल्सो रिले ऑन वाटर सोर्सेज फॉर ड्रिंकिंग एंड कूलिंग ऑफ एंड फॉर मैनी अदर पर्पस. जानवरों को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए पीने के लिए, कूलिंग ऑफ अपने आप को ठंडा रखने के लिए, और भी बहुत सारे कामों के लिए जानवरों को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है. वाटरिंग प्लांट, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ, इन सब में किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है. नाउ वी विल लर्न सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम पानी के स्रोत पढ़ेंगे कि पानी हमें कहाँ से और कैसे कैसे मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? रेन, बारिश. द रेन वाटर फिल्स अप द पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियंस. तालाब, झरनों, नदियों और समुद्रों को किससे भरा जाता है? रेन वाटर से. दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज. और इन सबको क्या कहते हैं हम? पॉन्ड्स, लेक, रिवर और ओशियंस को वाटर बॉडीज. दीज वाटर बॉडीज
गिव अस सरफेस वाटर, ये सब वाटर बॉडीज हमें सरफेस वाटर प्रोवाइड कराती हैं. सम ऑफ दीज वाटर ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और कुछ पानी पृथ्वी के अंदर समा जाता है, सोख लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं. वी गेट द ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग अ वेल, हैंड पंप और अ ट्यूब वेल. पृथ्वी के अंदर जो पानी समा जाता है वो हमें कैसे मिलता है, हैंड पंप से, कुओं से और ट्यूब वेल से मिलता है. द वाटर डेट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम दीज सोर्सेज इट इज़ नॉट क्लीन, और जो इन सोर्सेज से हमें पानी मिलता है वो शुद्ध पानी नहीं होता है. इट हैज़ इम्प्योरिटी लाइक डर्ट, सैंड एंड जंक, उसमें धूल के छोटे छोटे कण, मिट्टी और कीटाणु होते हैं. दिस वाटर इज फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड देन यूज फॉर अदर पर्पस, सबसे पहले इस पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है. नाउ टाइम टू डू वन एक्टिविटी, नेम दीज सोर्सेज ऑफ वाटर. यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं. नाउ वी विल लर्न स्टोरिंग वाटर, कि पानी को कैसे स्टोर किया जाता है. ड्यू टू पुअर रेनफॉल सम एरियाज डू नॉट गेट इनफ वाटर, सो वी नीड टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज. वी यूज जग्स, बॉटल, अर्थन पॉट्स, टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट टू स्टोर वाटर. कहीं जगह कम बारिश होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आगे उसका यूज़ कर सके. और पानी को स्टोर जग, बॉटल, मिट्टी के घड़े, टैंक, ड्रम्स और बकेट में करते हैं. हाउ डू वाटर गेट्स टू आर होम्स, हमारे घरों में पानी कैसे आता है, चलिए पढ़ते हैं. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स. वी डू नॉट यूज रेन वाटर एज इट इज, इट इज़ क्लीन बिफोर वी यूज इट. बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा होता है, नदी, झरनों और तालाबों में, लेकिन हम डायरेक्टली उस पानी को नहीं पी सकते. क्यों? क्योंकि वो पानी साफ नहीं होता. सबसे पहले यूज़ करने से पहले उस पानी को साफ किया जाता है. द क्लीन वाटर इज देन पम्प टू एन ओवरहेड टैंक, उसके बाद साफ पानी को टैंक में इकट्ठा किया जाता है. द वाटर फ्रॉम द टैंक रीचेज आर होम थ्रू अ पाइपलाइन, और पाइपलाइन के जरिए वो पानी हमारे घरों में आता है. आपने देखा होगा, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं, तो उस टंकी में पानी इकट्ठा किया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू घर में आता है. वी कैन यूज़ दिस वाटर बाय ओपनिंग टैप्स फिटेड इन आर होम, और वो पानी पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में आता है, कैसे, जो हमारे घर में नल लगे होते हैं. सम पीपल गेट्स वाटर फ्रॉम हैंड पंप, सम गेट वाटर फ्रॉम वेल्स. कुछ लोगों को पानी हैंड पंप से मिलता है और कुछ लोगों को पानी कुओं से मिलता है. लेक्स एंड पॉन्ड्स, अब हम पढ़ेंगे झरनों, झीलों और तालाबों के बारे में. लेक्स आर लार्ज स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. लेक क्या होता है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत है जो कहाँ होता है, धरती पर होता है. दे आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन पॉन्ड्स, और ये तालाबों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं. वेरियस प्लांट्स थ्राइव अलोंग द लेक एजेस, और लेक्स के एजेस पर क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टॉर्टोइस, फिश एंड अदर इनहैबिटेड इट्स वाटर, और बहुत से जानवर कौन कौन से, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, फिश कहाँ रहते हैं, लेक में रहते हैं. लेक्स कैन बी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, लेक्स का पानी या तो फ्रेश होता है या फिर सॉल्ट, नमकीन होता है. पॉन्ड्स आर स्मॉल शैलो बॉडीज ऑफ वाटर ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. तालाब क्या होते हैं, पानी
कि छोटा स्रोत होता है और ये क्या होता है, ये भी चारों तरफ से धरती से ढका होता है। उसके चारों तरफ क्या होती है, लैंड होती है। देखो लैंड है ना, और बीच में क्या है, वाटर है, तो ये क्या है, पॉन्ड है। मैनी प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिलीज ग्रो इन पॉन्ड्स एंड एनिमल सच एज डक फिश एंड फ्रॉग्स कैन आफ्टर बी स्विमिंग इन देम। और इसमें क्या होता है, लोटस और लिली के पौधे कहाँ लगते हैं, पॉन्ड्स में लगते हैं, और कुछ पॉन्ड्स में आप डक को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, फ्रॉग देखते हैं और फिशेस को देखते हैं। पॉन्ड्स में फॉर्म नेचुरली और बी ह्यूमन मेड। पॉन्ड्स या तो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं या फिर उन्हें कौन बनाता है, इंसान बनाता है। नाउ टाइम टू इंटरप्रिटेशन। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड दैट इज आइदर ओपन और क्लोज। पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड्स के चारों तरफ लैंड होती है। अ पॉन्ड इज रिलेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी। पॉन्ड क्या है, स्मॉल वाटर बॉडी है। द लेक आर क्वाइट डीप, और लेक क्या होते हैं, कुछ गहरे होते हैं। द पॉन्ड्स आर ओनली अ फ्यू फीट डीप, और पॉन्ड्स कुछ ही फीट गहरे होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट रिवर्स एंड वाटरफॉल। रिवर मतलब नदी, वाटरफॉल मतलब झरने। ड्यू टू द हीट ऑफ सन स्नो आर ग्लेशियर मेल्ट फ्रॉम द माउंटेन पीक एंड फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर। आपने देखा है कितनी गर्मी हो रही है, तो गर्मी के कारण क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, और वो पिघल कर किसका रूप ले रही है या कहाँ आ रही है पिघल कर, वो पिघल कर रिवर्स में आ रही है, नदियों में आ रही है। Sometimes when water falls from a great height, it is called waterfall. और कई बार क्या होता है, बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है उसे हम waterfall मतलब झरना कहते हैं। The water of the river is fresh. नदी का पानी एकदम fresh, ताजा होता है। River waters carries minerals and rich soil to the plants. River mostly flow into seas or ocean. तो क्या कह रहा है वो, कि नदी क्या लाती है अपने साथ, बहुत सारे minerals लाती है और rich soil लाती है, जो किसके लिए बहुत उपयोगी है, पौधों के लिए। और नदियाँ बहकर कहाँ समाती हैं, या तो समुद्र में या महासागरों में। अब हम पढ़ेंगे सागर और महासागर के बारे में। ओशियन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। महासागर सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, कहाँ पर, अर्थ पर, धरती पर। दे कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। धरती का बहुत सारा हिस्सा किसने ढका हुआ है या किसने ले रखा है, महासागर ने। देयर आर फाइव ओशियंस ऑन द अर्थ। धरती पर कितने महासागर हैं, फाइव, पांच। Seas are very large body of water but smaller than ocean. समुद्र भी बहुत बड़ी water bodies हैं, लेकिन वो महासागरों से क्या है, छोटी हैं। Seas are partially enclosed by land, sometimes one or more side. समुद्र भी क्या होते हैं, धरती पर ज़मीन को ढक कर रखते हैं या ढक रखा है उन्होंने, और कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा साइड धरती की समुद्र ने ढकी होती है। ओशियन एंड सी वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग और एनी अदर यूज। समुद्रों और महासागर का पानी बहुत खारा होता है, उन्हें ना तो हम पी सकते हैं और ना अन्य कामों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, You know that water changes its form on heating and cooling. This property of water plays an important role in nature. आपको पता है पानी अपना रूप बदलता है, कूलिंग के थ्रू या हीटिंग के थ्रू। पानी को जमा दे, कूल कर दे, तो वो बर्फ का रूप ले लेता है। पानी को उबाले तो वो भाप का रूप ले लेता है। The water cycle क्या है,
एक प्रोसेस है जो क्या होता है, धरती पर पानी मूव करता है। जब सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, तालाबों में और नदियों में पड़ती है, तो वो पानी क्या होता है, भाप के रूप में कहाँ मिल जाता है, आसमान में मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी पानी को सोख लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर वेपर गोस अप इन द स्काई, जब पानी की भाप कहाँ जाती है, स्काई आसमान में जाती है, इट कूल्स एंड टर्न बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। जब पानी की भाप आसमान में जाती है, वहाँ जाकर वो ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदें बनकर क्या हो जाती है, वापस आ जाती हैं कहाँ पर, धरती पर। दी स्मॉल ड्रॉपलेट कम्बाइंड विद द साइक्लोन एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और ये छोटी छोटी पानी की बूंदें किस में मिल जाती हैं, क्लाउड्स में, बादलों में। इनसाइड द क्लाउड द टाइनी वाटर ड्रॉप कम टूगेदर एंड बिकम बिगर, और छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, और कहाँ मिलती हैं वो, बादलों में। व्हेन दे बिकम वेरी हैवी, और जब वो बहुत भारी हो जाती हैं तो वो धरती पर वापस आती हैं किसके रूप में, और वो बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में वापस आती है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। रेन वाटर इज देन स्टोर्ड इन लेक पॉन्ड्स एंड रिवर, और बारिश का पानी फिर कहाँ इकट्ठा हुआ, रिवर में, लेक में और पॉन्ड्स में। सम रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, और कुछ बारिश का पानी धरती में समा गया। आपने देखा कि रिवर, लेक और पॉन्ड से पानी आसमान में गया, फिर बारिश के रूप में वो धरती पर वापस आया, और कहाँ मिल गया, रिवर, पॉन्ड और लेक्स में। सो द वाटर साइकिल इज लाइकिंग अ बिग सर्कल, दिस साइकिल कीप्स गोइंग ओवर एंड ओवर अगेन, हेल्पिंग टू ब्रिंग अस फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड कीप आवर प्लैनेट ग्रीन। तो आपने देखा कि ये पानी घूमता हुआ क्या हुआ, धरती से बादलों में गया, बादलों से धरती पर आया, तो वाटर साइकिल चलता गया जिससे हमें फ्रेश वाटर मिला पीने के लिए, और हमारा प्लेनेट क्या हुआ, ग्रीन हुआ। सेव वाटर, अब हम पढ़ेंगे हमें पानी बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेयर आर सम डूज एंड डोंट वी शुड फॉलो टू सेव वाटर। डू लेफ्ट ओवर वाटर इन वाटर बॉटल्स एंड आफ्टर वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। आप स्कूल से घर जाते हैं, बॉटल में पानी बच जाता होगा, या कई बार फल सब्जियां धोते हैं तो वो पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें उस पानी को पेड़ पौधों में देना चाहिए। यूज़ अ बकेट एंड मग टू वॉश कार, मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल। कार को धोने के लिए, बाइक और साइकिल को धोने के लिए बकेट के पानी का यूज़ करिए, ये नहीं कि पाइप चलाई और गाड़ी धो रहे हैं, उससे क्या होगा, पानी वेस्ट होगा। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट एंड यूज इट फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। बारिश के पानी को इकट्ठा करिए और उसका यूज पौधों में पानी देने के लिए और सफाई करने में इस्तेमाल करिए। अब हम पढ़ेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड वेजिटेबल। कई बार क्या होता है, बच्चे ब्रश करते हैं, वॉश बेसिन का टैप खुला छोड़ देते हैं, नहाते हैं, पानी बह रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई काम करें, नहाएं, ब्रश करें, बर्तन धोएं, सफल सब्जियों को धोएं, तो पानी का टैप बंद रखिए। डोंट टेक अ लॉन्ग शावर, बहुत देर तक शावर में मत नहाइए। डू नॉट यूज़ अ होज पाइप टू वाटर प्लांट्स और वॉश कार, पौधों को पानी देने के लिए या फिर कार धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल मत करिए, बकेट का यूज़ करिए, उससे पानी सेव होगा। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी बच्चों हमेशा साफ और प्योरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी गंदा आप पियेंगे तो आप क्या होंगे, बीमार होंगे। द वाटर दैट रीचेज आवर होम लुक्स क्लीन, हाउएवर इट स्टिल नीड्स टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो हमारे घरों में आता है,
दिखने में वो साफ़ लगता है, लेकिन नहीं, पीने से पहले हमें उसे साफ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। दिस कैन बी डन आइदर बॉइलिंग द वाटर और फिल्टरिंग इट। या तो पानी को बॉइल करिए या पानी को फिल्टर करिए, जिससे वो क्लीन हो और हम उसे पी सके। बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। पानी को उबालते हैं तो उसमें जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड यूजिंग फिल्टर्स एंड वाटर प्योरीफायर। सबके घर में आर ओ लगे होते हैं, एक्वागार्ड लगे होते हैं, उसके थ्रू क्या हो रहा है, पानी फिल्टर्ड हो रहा है। क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो साफ पानी हम पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इस पानी का कोई स्वाद नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, और ये क्या होता है, जर्म फ्री होता है। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर एंड कीप देम कवर्ड। पीने का पानी साफ बर्तन में रखिए और उस बर्तन को ढक कर रखिए। इफ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर वी मे सफर फ्रॉम डिसीजेस लाइक जॉन्डिस, क्लोरा एंड टाइफाइड। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम में बीमारियाँ हो जाएंगी। हम कौन कौन से रोगों के शिकार होंगे, जॉन्डिस पीलिया के शिकार होंगे और हमें टाइफाइड भी हो सकता है। नाउ वी विल लर्न व्हाई डू वी नीड टू सेव वाटर। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, द यूज ऑफ वाटर आर प्लेंटी। इट इज आयरोनिक डेट इन स्पाइट ऑफ 71% ऑफ अर्थ सरफेस बींग कवर्ड विद वाटर, बट ओनली 3% ऑफ वाटर इज एरिएबल फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग। आपको पता है कि हमें जीने के लिए पानी चाहिए। हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन आपको पता है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्ट, सो फॉर आर यूजेस वी नीड टू कंजर्व वाटर। पानी की बहुत बर्बादी हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में, तो हमें पानी बचाना चाहिए। वी नीड ड्रिंकिंग वाटर टू सर्वाइव। जीने के लिए हमें पानी पीना है, उसकी आवश्यकता है हमें। वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन टू ग्रो क्रॉप। हमें सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, जिससे हम अनाज उगा सके। वी नीड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज डेली वर्क एंड ऑल अदर वर्क। हमें पानी रोज के कामों के लिए चाहिए। रोज के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पानी से होते हैं, और पानी कहाँ चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी चाहिए। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जानवर भी पानी के बिना जीवन नहीं जी सकते। सम ऑफ दीज आर पॉइंट फॉर डेट वी शुड सेव वाटर। तो ये कुछ पॉइंट है जो बता रहे हैं कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए। नाउ टाइम टू लुक आवर। वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर आर सर्वाइवल। जीने के लिए पानी एकमात्र सहारा है। वी शुड कीप द सोर्सेज ऑफ वाटर क्लीन। जितने भी वाटर सोर्सेज हैं हमें उन्हें क्लीन रखना चाहिए। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर एंड कीप देम कवर्ड। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर, चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनिए। अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है, 1/3, 2/4, 3/4 या हाफ? तो करेक्ट आंसर है 3/4। डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है धरती पर, लेक, रिवर, ओशियंस या सी? तो करेक्ट ऑप्शन है ओशियन, महासागर। नंबर थ्री, वाटर इन सी एंड ओशियंस इन। समुद्रों और महासागरों का पानी कैसा होता है, वहाँ का पानी सॉल्टी मतलब खारा होता है। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो चलिए करते हैं। इफ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर वी मे सफर फ्रॉम। अगर हम अशुद्ध पानी पियेंगे तो हम क्या होंगे, हम बीमार होंगे, हमें डिसीज हो जाएगा।
तो फर्स्ट में हम लिखेंगे डिसीज। पॉन्ड्स में फ्रॉम नेचुरली और भी तालाब कैसे होते हैं, या तो नेचुरली होते हैं या फिर ह्यूमन मेड, इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। तो नंबर टू में हम लिखेंगे ह्यूमन मेड। नंबर थ्री, द वॉटर बॉडीज गिव अस डैश वॉटर। वॉटर बॉडीज हमें कैसा पानी देती है, सरफेस वॉटर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे SURFACE, सरफेस वॉटर। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज सी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर वन, वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर। हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि वो पानी पीने में सॉल्टी, खारा होता है। नंबर टू, रेन वाटर रीचेस इनटू द ग्राउंड। रेन वाटर कहाँ, ग्राउंड पर आता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर थ्री, प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर फूड। पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती खाना बनाने के लिए और बढ़ने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पौधों को भी पानी चाहिए। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट वाटर। हमने पानी के बारे में पढ़ा, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि पानी क्यों बचाना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।